बिग बॉस के घर में जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स हैं वो क्या कहते हैं, कौन होगा बेघर, किसको सबसे कम वोट मिले हैं, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। आप सभी जानते हैं कि सभी नॉमिनेटेड हैं और ऐसे में रुबीना को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। रुबीना दिले एक ऐसी कंटेस्टेंट है सीजन 14 की जो लगातार नंबर वन पर रही और हर वोटिंग ट्रेंड में उनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर है राहुल वैद्य। राहुल वैद्य की भी फैन फॉलोइंग आप सभी जानते हैं कि आरकेवीएस ने तो आज भी एक ट्रेंड चलाया हुआ है। तीसरे नंबर पर अली गोनी, भले ही वो 30 दिन शो के बाद आए हों, यानी कि 30 दिन का शो खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने आने के बाद जिस तरीके से अपना गेम स्ट्रॉन्ग किया है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, जो वो सबसे बनाकर रखना चाहते हैं, उन्होंने साफ साफ बोला था मैं लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ, तो वो जो उनकी बात है वो सही साबित हो रही है, वो लोगों का दिल वाकई में जीत रहे हैं और इसीलिए वो वोटिंग ट्रेंड में आप देखिए नंबर 3 पर हैं। जबकि कुछ ऐसे कंटेस्टेंट जो बहुत समय से घर के अंदर हैं, अगर मैं निक्की की बात करूं, निक्की बाहर जाके फिर से अंदर आई, वो इस समय बॉटम में चल रही हैं। लेकिन निक्की को टिकट टू फिनाले मिला है, क्योंकि रुबीना दिलेक ने जो टिकट टू फिनाले टास्क जीता है उसमें उनको तो जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनको एक विशेष अधिकार मिला कि वो किसको भेजना चाहेंगी, तो वो उन्होंने भेजा है निक्की तंबोली को। देवोलीना के वोट्स हैं वो बॉटम में है, क्योंकि निक्की को अगर हम निकाल दें तो देवोलीना के बेघर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अब एजाज के भी वापस आने की कोई उम्मीदें नहीं लग रही हैं, क्योंकि अब जो है एजाज खान को आना होता तो आ जाते, फिनाले से एक हफ्ते पहले तो आने का कोई उनका मुझे नहीं लगता है कि चांस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राखी की, तो राखी चौथे नंबर पर है। राखी का एंटरटेनमेंट लोगों को पसंद आया है, वो लगातार वोट्स बटोर रही हैं और वो चौथे नंबर पर बनी हुई हैं। तो इस हफ्ते डेवोलीना के निकलने के चांसेस हैं और टॉप 5 हमें जो है अगले हफ्ते के लिए मिल जाएंगे, रुबीना, राहुल, निक्की और अगर मैं कहूँ तो राखी सावंत और अली गोनी। तो इस हफ्ते डेवोलीना के एविक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं।